गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू ब्लॉग्स। तो शाम के 5:30 हो गए हैं, अभी झाड़ू वगैरह लगाई है। फेस वॉश नहीं करती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि सर्दी में ठंडा ठंडा पानी लगाने का मन नहीं करता है। काजल सुबह लगाया था, फैल गया है। आज काजल सुबह ना थोड़ा डार्क डार्क सा लगाया था, तो इसलिए ज़्यादा फैल गया, वरना मैं एक स्ट्रोक मारती हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्ट्रोक मारती हूँ, बस वही रहता है मेरा। आँखें वरना छोटी छोटी सी लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे बीमार हैं। और काजल लगा लो ना तो अच्छा लगता है, और लिपस्टिक लगा लो तो चेहरे पे रोना किया जाती है। तो अभी मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगा रखी है, क्योंकि सो रही थी तो मन भी नहीं हुआ। अभी बस मैंने बनाई है अपने लिए शाम की चाय। मैं गिलास में पीती हूँ, ऐसा नहीं मैं भर के पीती हूँ, पीती मैं थोड़ी सी हूँ, लेकिन मैं गिलास में पीती हूँ। और आज एक्चुअली सोच रही हूँ गाजर का हलवा बनाऊँ। मेरे पास रखी हुई है गाजर, ऐसे रखी होगी आधी 1 किलो रखी होगी। तो मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा गाजर का हलवा बनाऊँ, क्योंकि हर्षित है ना, काफ़ी दिन से मुझसे कह रहा है मम्मी गाजर का हलवा, मम्मी कोई शादी नहीं है क्या, शादी मतलब शादी होगी तो वो गाजर का हलवा खाएगा। तो मैंने बोला कि है ना मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। मेरे पास थोड़ी सी गाजर रखी हुई है और मलाई भी रखी हुई है, दूध है ही है, तो मैं बना लूँगी। और किशमिश है मेरे पास थोड़ी सी, और थोड़े से काजू भी हैं, इलायची नहीं है, और तो बिना इलायची के बनाऊँगी, लेकिन बन जाएगा। तो आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं दिखाती हूँ। तो चाय मैंने पी ली है, और जैसा मैंने आपको बोला था मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी, तो मेरे पास कसनी नहीं थी, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए कसनी मंगाई है इनसे दुकान में से। तो ये कसनी लेके गए मुझे, और ऐसी कसनी है, ये बोलती हूँ पहले ये वैसी थी जिसके अंदर चार पैर लगे रहते हैं ना किनारे पर, वो थी ये वाली है, ऐसी है। वैसे सही है, ये सरकेगी नहीं है ना कसने में, ये सरकेगी नहीं, सरक जाती है ना मर रही हूँ, तो ये सरकेगी नहीं, ऐसे यूँ लग जाएगी तो सरकेगी नहीं है ना, आराम से कस जाएगा। एक आती है ऐसे खड़ी वाली आती है, तो इसको खड़ी करके भी कसना चाहो तो कस लो ही, लेकिन है ना ऐसे ही ठीक है। मैं किसी पे यहाँ पे वो लगा करके सहारा और फिर कस लूँगी गाजर। तो चलो पहले मैं गाजर जो है छील करके और कस लेती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर हलवा जो है वो बनने लग रहा है। मैंने एक्चुअली गाजर को छील करके धो लिया था, धो करके कस लिया था। कस लेने के बाद में कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी लिया, घी में गाजर को डाल करके 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया था। और भूनने के बाद में इसके अंदर मैंने डाला है फुल क्रीम दूध, डाला है मैंने इसके अंदर। तो अगर आप मावे का यूज़ नहीं कर रहे ना, तो आपको फुल क्रीम दूध का यूज़ करना ही पड़ेगा। और अगर आप मावे का यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल दूध भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं मावे का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही हूँ हर्षित के लायक। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं मावा वावा मंगाऊँ इनसे और इनको परेशान करूँ, तो मैंने यहाँ पर बस बनाना स्टार्ट कर दिया। और इनको तो सरप्राइज़ भी हो जाएगा कि हलवा बनाया है, तो क्योंकि इनको काफ़ी पसंद है हलवा। तो यहाँ पर जो हलवा है वो सीखने लग रहा है, और साथ ही जो हलवा बन रहा है ना, इतनी देर में मैं जो है किचन की थोड़ी बहुत समेटा समेटी कर लूँगी, क्योंकि इस कसने में और इन सब में ना काफ़ी गंदगी हो जाती है किचन में। तो हलवा बन रहा है, इतनी देर में मैं जो हूँ सब्जी बना ले रही हूँ, शाम का खाना भी हाथ के हाथ बनाती जाती हूँ, क्योंकि किचन में खड़ी हूँ तो फिर उसको चलाती भी जाऊँगी हलवे को, और साथ में है ना सब्जी वगैरह भी बना लेती हूँ, और बाकी जो फैला सा हो गया है साफ़ कर लेती हूँ। तो स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर ली है। एक्चुअली गाजर को छीलो कसो तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, छीटे छीटे हो जाते हैं और काफ़ी गंदगी हो जाती है, पूरी स्लैब चिपचिपी सी हो गई थी। तो मैंने पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ किया है, गीले कपड़े से पोंछ लिया है। और यहाँ पर मैं जो हूँ अचार को भर रही हूँ। एक्चुअली ये कुछ अचार लेकर आए थे, 5 तरह के अचार है। ये अदरक का अचार है जो मैं डब्बे के अंदर भर रही हूँ। तो ये जो डब्बे हैं ना, ये अचार के ही डब्बे हैं। तो ये अचार जो है वो घर के बने हुए अचार हैं, इनके अंदर कोई भी विनेगर या सिरका वगैरह नहीं डला हुआ है, जिससे कि ये खट्टे हों। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे घर में हम लोग बनाते हैं ना, तेल डाल करके और बिना पानी के विनेगर के, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे अचार हैं ये। एक्चुअली कुछ लेडीज़ होती हैं जो है ना घर के अंदर ही अचार बना करके अपना भरण पोषण करती हैं, तो हम लोग उन्हीं से ये अचार लेकर के आते हैं।
तो ये जो है इनको बहुत पसंद आता है ये वाले अचार, इन घर के से ही हैं। तो मैं हमेशा ही आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बनने के लिए नहीं कमा रहे होते हैं, या कोई अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं कमा रहे होते हैं, दो वक्त की रोटी के लिए कमा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें ख़रीदारी करते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल मॉल वगैरह में हम लोग ख़रीदारी कर लेते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए कमा रहे होते हैं, उनका तो मतलब धंधा ही हम लोगों ने बंद कर रखा है। तो अगर आपको ऐसी कोई छोटी दुकानें मिलें सड़क पर, कोई बैठा हुआ है और वो बेच रहा है, कोई बैलून बेच रहा है, या फिर कोई भी छोटे मोटे खिलौने लेकर बैठा है, या फिर सब्जी बेच रहा है, या फल फ्रूट बेच रहा है, तो ऐसे लोगों से है ना हमें ख़रीद लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो हमसे ही आशा करते हैं कि शायद हम लोग अपनी इंसानियत दिखाएं और इनसे ख़रीद लें, और उनका घर जो है, उनके बच्चे जो हैं, उनका घर जो है वो हम लोगों की वजह से ही चलता है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमेशा अपने आप को पालक बनिए, पालनकर्ता बनिए, क्योंकि पालनकर्ता के पास ही लक्ष्मी आती है हमेशा। तो मैं जो हूँ हलवे को बीच बीच में चलाती जा रही थी और अपने काम भी करती जा रही थी। तो हलवा इसी तरह से बनता है, काफ़ी टाइम लेकर बनता है। तो यहाँ पर जो दूध डाला था मैंने, मलाई वाला, वो अच्छे से सूख गया है, और गाजर जो है वो अच्छे से पक चुकी है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब मैं इसके अंदर घी डालूंगी थोड़ा सा, और इसी टाइम पर मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है, और मैं अंदाजे से ही चीनी वगैरह डालती हूँ, और मैंने चीनी को देख लिया है कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि चीनी वगैरह जो होती है ना बोरी के अंदर आती है, तो बोरी के तातू वगैरह से आ जाते हैं, तो वो फिर गाजर हलवे में या किसी भी चीज़ में हमेशा कुछ भी चीनी वगैरह डालो या कोई भी चीज़ डालो तो एक बार उसके ऊपर हाथ फेर लेना चाहिए। तो मैं एक बार ऐसे देख लेती हूँ, और इसी टाइम पर मैंने ये किशमिश डाल ली है, क्योंकि चीनी जो होती है ना वो पानी छोड़ेगी, तो ये किशमिश जो है उसके पानी में फूल जाएगी। और इधर मैंने काजू भी डाल दिए हैं, और चीनी डालने के बाद में पानी रिलीज करता है, चीनी जो होती है वो मेल्ट होती है जिसकी वजह से पानी रिलीज होता है, तो वो हम इसको सुखा लेंगे। और चीनी डालने के बाद में कभी भी हलवे को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना चाहिए, वरना हलवा जो होता है ना वो लिसलिसा सा और चिपचिपा सा बन जाता है। तो बस इतनी देर चलाएंगे कि चीनी सूख जाए। चीनी डालने के बाद में काफ़ी पानी आ गया था और वो अच्छे से सूख गया है, और घी रिलीज हो गया है, आपकी नोरी पर देख भी सकते हो। तो जो हलवा है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस इसको थोड़ी सी देर और कुक करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ी सी देर और कुक करूँगी, और उसके बाद में हमारा हलवा जो है वो तैयार है। हर्षित के लिए सरप्राइज़ रहेगा, और हर्षित के पापा के लिए भी ये सरप्राइज़ रहेगा, क्योंकि हर्षित को भी नहीं मालूम है कि मैं हलवा बना रही हूँ, और उसके पापा को भी नहीं मालूम है कि मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा बन रहा था तो बीच बीच में चलाती जा रही थी और अपने काम करती जा रही थी। तो शाम की आरती कर ली है, आरती करने के बाद में थोड़ी सी देर में मेडिटेशन करती हूँ, वो भी मैंने कर ली है, और बीच बीच में चलाती जा रही थी, और अब मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। हलवा जो है वो बन गया है। तो लीजिए, तैयार है मेरा गाजर का हलवा, और देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, और भोग लगा दिया है मैंने, और बस मैं हर्षित को और उसके पापा को देने के लिए जा रही थी गर्मा गर्म हलवा। और आप सब भी आइए और खाइए गाजर का हलवा। सर्दियों में मैं पहली बार ही बना रही हूँ, इन सर्दियों में मैंने इससे पहले बनाया नहीं था, तो और बिना मावे के बनाया है, दूध से बनाया है, और काफ़ी अच्छा बना है। तो हलवा तो मेरा बन गया, और काफ़ी अच्छा हलवा बना था। एक्चुअली मैंने ना कभी भी आज से पहले तक है ना कभी भी बिना मावे का हलवा नहीं बनाया था, मावे डाल के ही हलवा बनाया था, और इस बार मैंने मलाई डाल करके बनाया था। तो अगर आप भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं ना कि बिना मावे का हलवा अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि मावे से ही हलवा बनेगा, तो ऐसा नहीं है, आप बिना मावे का हलवा बना सकते हैं। बस जो दूध है ना वो आप फुल क्रीम दूध डालिए, मतलब बहुत सारी मलाई वाला दूध डालिए, आपका हलवा बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे किसी हलवाई ने बनाया है। तो मेरा हलवा काफ़ी अच्छा बना। तो जाते जाते मैं जैसा कि हमेशा ही कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आज का जो कमेंट है वो ये है कि मैं इतना ज़्यादा भगवान को मानती हूँ, इतना ज़्यादा चमत्कार चमत्कार करती रहती हूँ, क्या सच में चमत्कार होते हैं? देखिए,
किसी चमत्कार में या भगवान में या किसी भी चीज़ में विश्वास करने से पहले आप खुद में विश्वास कीजिए। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ। एक बार एक फैमिली होती है छोटी सी, जिसके अंदर मम्मी पापा और एक छोटा सा बच्चा होता है। तो वो उनकी मम्मी जो होती है ना, वो प्रेग्नेंट हो जाती है कि अब बच्चा आने वाला है। तो बच्चा बड़ा खुश होता है कि मुझे खेलने के लिए एक बेबी आएगा। वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे तो एक छोटी सी बहन चाहिए जिसके साथ मैं खेलूं। तो पेरेंट्स हंसते हैं ना कि क्योंकि बच्चे की बात पे तो हर कोई हंसता है। फिर वो दिन आता है जब है ना डिलीवरी वाला दिन आता है, तो सच में वो उनके घर में एक छोटी सी नन्ही सी एक गुड़िया आती है, छोटी सी बेबी आती है। लेकिन उसी के साथ में एक बैड न्यूज़ आती है कि जो माँ होती है ना, वो डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। बच्चा बड़ा खुश होता है कि उसको खेलने के लिए बेबी मिल गई है, लेकिन उसको जब पता चलता है कि मेरी मम्मी नहीं रही है, तो उसको बड़ा दुख होता है। वो सैड सैड सा रहने लग जाता है, और साथ ही उसके पापा जो होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद में जो बच्ची थी बिना माँ की, वो नहीं पल पा रही थी और बीमार हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये नहीं बचेगी, इसको हम नहीं बचा पाएंगे बिना ऑपरेशन के। तो जो उसके पापा थे बच्चे के, वो काफ़ी परेशान रहने लग जाते हैं, चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। तो बच्चा आकर अपने पापा से पूछता है कि पापा आपको क्या हुआ है, आप ऐसे बदल क्यों गए हो। तो जो पापा होते हैं वो बताते हैं कि बेटा मैं इसलिए बदल गया हूँ क्योंकि पहले मम्मी चली गई, अब ये बेटी भी जाने वाली है, ये ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, अब इसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता इसे, बस एक चमत्कार बचा सकता है। छोटा बच्चा था, उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि एक चमत्कार है जो उसको बचा सकता है। अब वो चमत्कार क्या है, वो क्या करता है, वो बोलता है, उसके पापा साथ में ये बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, इसको तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। उसको सिर्फ ये चीज़ समझ में आई कि हमारे पापा के पास पैसे नहीं है और बच्ची को सिर्फ, मेरी बहन को सिर्फ चमत्कार बचा सकता है। उसकी एक छोटी सी गुल्लक होती है मिट्टी की, वो फोड़ता है, उसके अंदर से वो इन टोटल 100 रुपये होते हैं। उन 100 रुपये को लेकर के मेडिकल की दुकान पे भागा 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 जाता है। जाने के बाद में मेडिकल वाले से बोलता है कि अंकल मुझे चमत्कार वाली दवाई दे दो। तो अंकल बोलते हैं मेडिकल वाले कि ना भाई बेटा ऐसी तो कोई दवाई नहीं आती चमत्कार वाली। बोले कि नहीं आती है दवाई, है ना मेरे पापा ने कहा है कि ना हमारे पास पैसे नहीं है, इसे तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो दुकान वाला हंसने लगता है। पास में एक ग्राहक और आता है, वो बोलता है बच्चा तुमको किसने बोला ऐसे। तो बोलता है मेरे पापा ने बोला है कि ना चमत्कार ही है जो मेरी बहन को बचा सकता है। तो वो बोलते हैं कि चलो आप अपनी बहन से मुझे मिलवाओ। वो लड़का जो होता है बच्चा, वो उस आदमी को लेकर के घर जाता है। घर पे जाकर के वो बच्ची को देखता है, वो एक डॉक्टर होते हैं, है ना डॉक्टर होते हैं, वो उस बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और उसका इलाज कर देते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं कि आपका कितना खर्चा हुआ। तो वो बोलते हैं कि आपका बेटा ऑलरेडी हमको ना ऑपरेशन के पैसे दे चुका है 100 रुपये। ज़बरदस्ती बच्चा उसको 100 रुपये देता है कि इसको ठीक कर दो कैसे भी करके। तो वो जब उसके पापा पूछते हैं कि ना आप ये कैसे, कितने रुपए हुए, तो बोलता है कि आपका बच्चा दे चुका है। तो देखिए चमत्कार जो होता है ना, ऐसे नहीं होता है कि ना कि कोई मैजिशियन आएगा और चमत्कार कर दिया। मैजिशियन भी जो चमत्कार करते हैं ना, जो मैजिक करते हैं ना, उसके अंदर कोई ना कोई वो छुपी होती है, फिलोसफी कुछ ना कुछ मतलब ट्रिक छुपी होती है। ऐसे भगवान जो होते हैं ना, खुद साक्षात आकर के हमारी मदद नहीं करने आते हैं, किसी ना किसी के थ्रू वो हमको मदद कर देते हैं। लेकिन वो मदद तब करेंगे जब हमारे को खुद के ऊपर विश्वास होगा। अब उसके पापा ने तो पूरी वो छोड़ रखी थी ना उम्मीद कि मेरी बेटी तो अब नहीं रहेगी, इस दुनिया में मर जाएगी। उनको मालूम था कि चमत्कार सही करेगा, लेकिन उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन बच्चे को मालूम था कि चमत्कार होगा, लेकिन उसको खुद के ऊपर भी विश्वास था कि मेरे ये 100 रुपये मैं लेके जाऊंगा और मेरे चमत्कार होगा और वो सही हो जाएगा। तो चमत्कार भी तब काम करते हैं जब हमें खुद के ऊपर विश्वास होता है। और वैसे भी मैं आपको जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर चीज़ जो होती है ना, हम खुद गलती करके सीखे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी लंबी उम्र नहीं है, हम इतना लंबा नहीं जीने वाले हैं कि सारी गलतियां करके हम खुद ही सीखेंगे। दूसरों की गलतियों से भी हमें सीख लेना चाहिए। वो कहते हैं ना ठोकर खा के ठाकर बनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर ठोकर हम ही खाएं। हम जा रहे हैं जिस रास्ते से, अगर उस रास्ते पे पत्थर है और जा रहे हैं वो ठोकर खा के गिर गया, तो अब जरूरी है कि आप भी उसी रास्ते पर जा करके ठोकर खा के गिरो। अरे भाई आपने देख लिया ना कि यहाँ पर पत्थर रखा है और यहाँ से मैं जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, क्योंकि वो भी गिर गया तो आप दूसरा रास्ता ले सकते हो ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गलतियों से ही सीखो, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। तो ये था मेरा आप लोग को एक छोटा सा
स्टोरी के थ्रू रिप्लाई कि देखिए मैं विश्वास करती हूँ चमत्कारों में, लेकिन साथ ही मैं अपने खुद के ऊपर भी विश्वास करती हूँ। वो कहते हैं ना, भगवान की पूजा मतलब यूँ दिया कर लिया, आरती कर ली हूँ, मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उनसे नहीं होता है। जब तक आपका मन नहीं है वहाँ पर, आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी वहाँ पर होगा, तभी कोई चमत्कार होगा। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो चलिए, अब इन सब चीज़ों के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुख दुख, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कई लोगों को मेरी ये जो बातें होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है, तो उन लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि आप, मैं स्टार्ट जब मैं ये बातें स्टार्ट करती हूँ ना, उसी टाइम पर मैं ये बोल देती हूँ कि मैं अब इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ और जाते जाते एक कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। तो उस टाइम पर आप उस वीडियो को वहीं पर ही स्टॉप कर दीजिए और आप मेरे चैनल को छोड़ दीजिए बस, क्योंकि आपको उतना आधा वीडियो तो अच्छा लगता है ना, तो आप आधा वीडियो देख लिया कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आप लोगों से ये भी नहीं कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा है, मेरी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी लाइक मत कीजिए, डिसलाइक करके चले जाइए। मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।